तो चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर आगरा किले में छत्रपति शिवाजी जयंती समारोह का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आगरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कई आक्रांताओं को अभी एक समय से लड़ने वाले एकमात्र हिंदू राजा है। उन्होंने देश में मुगल बादशाही खत्म कर हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। आगरा किला उनकी वीर गाथा की कहानी कहता है, इसलिए उनकी जयंती अगली बार और हर बार आगरा में ही मनानी चाहिए। आगरा किले में शिवाजी महाराज की जयंती पर अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान में तरफ आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आगरा किले पर हुए कार्यक्रम में भी ये घोषणा की। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर पर रुक कर लेते हैं, जहां पर कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत का मामला एसआईटी टीम जांच के लिए पहुंची। बता दें कि मंडौली गांव में एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है, जहां हरद्वाई पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने उनके नेतृत्व में ये टीम जांच कर रही है। बता दें कि पीड़ित परिजनों से मिलकर टीम ने इस घटना की जानकारी। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर घटना की जानकारी टीम ने घटनास्थल का पूरा बारीकी से जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। इसमें उत्तर प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के फायदे गिनाए हैं और साथ ही प्रदेश में निवेश में जिले की भागीदारी भी बताई है। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस दौरान जिले की भागीदारी की सराहना की और बताया कि ये निवेश उत्तर प्रदेश में विकास के लिए हुए हैं, इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। इस दौरान सांसद महेश शर्मा और जिला अध्यक्ष विजय भाटी सहित अन्य पदाधिकारी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम योगी प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और प्रदेश के साथ देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। में आयोजन हुआ था, उस निवेश महाकुंभ के अंदर लगभग 33 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव और जो समझौते साइन हुए थे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए थे। कौन निवेशक कहाँ आकर के निवेश करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक अलग योजना तैयार हुई। उसमें जो सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश का बनने जा रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 26% गौतम बुद्ध नगर के हिस्से में आया है। तो प्रत्येक जनपद के प्रभारी मंत्री को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप अपने अपने जनपद में जाकर इन सब निवेश के बारे में चर्चा करिए, वहां पर पत्रकार बंधुओं से वार्ता करिए, ताकि आम जनमानस के अंदर भी ये जाना चाहिए कि सरकार इतने अच्छे सकारात्मक सोच के साथ काम कर रही है। चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जहां पर यूपी में 50 बेड वाले आयुष अस्पतालों की जांच हो। बता दें कि भवन की गुणवत्ता और खरीद हुए उपकरणों की भी इसमें जांच हो। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो अस्पतालों की जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के मंडलायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में घटिया सामग्री में निर्माण की आयुष विभाग को मिली शिकायत। यूपी के गाजियाबाद में एक 15 साल की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। वहीं इस हादसे को लेकर परिजनों ने युवक पर छात्रा को तंग करने का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि युवक उसे काफी समय से तंग कर रहा था, जिसकी वजह से उसको फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। आज दिनांक 19 फरवरी को सुबह प्रातः 10 बजे थाना इंद्रापुरम पर एक सूचना प्राप्त होती है कि सेक्टर 3 में रहने वाली एक 15 वर्षीय बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। तत्काल इंद्रापुरम पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लिया जाता है। बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, साथ ही एक हमें पत्र भी प्राप्त हुआ है, उसकी गहनता से जांच की जा रही है और इनके आत्महत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस सारे एंगलों पर जांच कर रही है, परिजनों से तहरीर प्राप्त कर उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ भी नहीं हुआ, दिन भर काम पड़ती रही, वो तो चौकीदारी में बैठ के और उधर वहीं हम बैठे रहे, फोन से पड़ती ही रही, कोई पता ही नहीं। साहब नौवीं में, हाँ पिता उनके ड्राइवर है, कोई नहीं। उसके पापा आए 8 दिन में रात के 10:30 बजे और बुगाहरे हाथी उनकी गांव चली गई थी दोनों, एक शादी में गई थी एक कांवर लेन गई।
कन्नौज में कांवड़ चढ़ाकर लौट रहे कांवड़ियों पर दबंगों ने हमला कर दिया। खबरों की माने तो दोनों पक्षों में रास्ते में निकलकर कुछ विवाद हो गया, जिसकी वजह से दबंगों ने कांवड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं मामले में पुलिस के पास पहुंचे पीड़ित कांवड़ियों ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ से इन्वेस्टर्स समिट के लिए लगे पौधे, फिर चोरी। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 200 पौधे चुरा लिए गए हैं और शातिर चोरों द्वारा ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लखनऊ की सजावट में लगे पौधे गायब हुए, जिसमें फर्म संचालक ने दर्ज किया है ये केस। पौधे चोरी का ये बड़ा केस सामने आया, जहां पर लुलू मॉल से रायबरेली रोड तक लगे थे ये पौधे, जो सुशांत गोल्फ सिटी थाना में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव पीर बियानी में एक कब्रिस्तान में दो गोवंश के अवशेष मिले, जिससे लेकर ग्रामीणों में रोष है। लोगों ने गोवंश के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, उन्हें चेतावनी दी और अगर गोवंश के हत्यारे पकड़े नहीं गए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया, साथ ही जेसीबी की मदद से गोवंश को दबाया गया। जानकारी के मुताबिक सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव पीर बयाबानी के पास स्थित कब्रिस्तान में दो गोवंश के अवशेष मिले। वहां से गुजर रहे लोगों ने गोवंश के अवशेष देखे तो ग्रामीणों में रोष छा गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। देवरिया के सुरौली थाना क्षेत्र में चोरों ने पुलिस का डर नजर आया। दरअसल पकड़ी चौकी में चंद मीटर की दूरी पर राजकुमार सिंह अपनी बाइक खड़ी कर चले गए, तभी चोर मौके पर पहुंचे। चोरी की हाथ से देसी तमंचा लेकर बाइक की चोरी कर मौके से फरार हो गए। वहीं चोरों की पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में जाकर मामले की शिकायत की, लेकिन सुरौली थाने में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री की निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिर गया, जिसके चलते इमारत में काम कर रहे मजदूर लेंटर के बीच दब गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उनको अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया। वहीं मलबे में और मजदूरों में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और बचाव कार्य में जुटी हुई है। यूपी के बलरामपुर से जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के साथ लाखों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया और दोस्तों से लाखों रुपए की चोरी की, वहीं पीड़ित की तहरीर के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया है। साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आरोपी से 18,90,000 रुपए भी बरामद किए हैं। 18,90,000 जो पूरी चोरी की रकम है 100% वो बरामद कर ली गई है। इनका जो साथी है राज सोनी, उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, अभी उसकी गिरफ्तारी शेष है। अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैडम, क्या इन लोगों के ऊपर पहले भी कोई अपराधिक नहीं, इनके ऊपर कोई आपराधिक पूर्व का कोई घटना नहीं है। ये इनकी बस रात में पैसे देख कर इनको लालच आ गई और इन सबने पैसे का अपना एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जो वादी के मोबाइल में भी मिला और इस वजह से ये घटना। यूपी के सहारनपुर में नकुड़ रोड पर दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे में पीआरडी के जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि यूपी के बांदा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां नरेनी में पड़माई गांव में एक सड़क किनारे का नियंत्रित ट्रक गमूटी के घुस गया। बता दें कि जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में चार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीन बच्चे एम्बुलेंस द्वारा लाए गए और ये तीनों गंभीर हालत में घायल हैं और ये बता रहे हैं कि ये ट्रक से दुर्घटना हुई है, जिसमें एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई है
बाकी तीन लोग, तीन बच्चे घायल अवस्था में लाए गए, सभी का इलाज चल रहा है। आज लगभग 1 बजे के आसपास जो है अतर्रा से नरेनी की तरफ जाते हुए पड़मई गांव के पास जो है एक ट्राला, जो बड़ा ट्राला है, अनियंत्रित होकर के एक गुमटी थी उसमें टक्कर मार दी। मौके पर एक बच्चा जो घायल हुआ था उसकी डेथ हो गई है। 4 बच्चे इंजर्ड हैं जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। चारों खतरे से बाहर हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। आक्रोश में लोगों ने जाम लगा दिया था। स्थानीय विधायिका जी भी मौजूद थी। सभी लोगों को समझा बुझा दिया गया है। इलाज सारंगपुर देवबंद से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां पत्नी से विवाद के बाद पति ने खुद की गर्दन काट दी। बता दें कि गर्दन कटने से पति की मौके पर ही मौत। पत्नी से विवाद के बाद छुरी से काटी अपनी ही गर्दन। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर हादसे की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आगरा की थाना सिकंदरा क्षेत्र में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। शादी के समय खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई, जिसके चलते 2 महिलाओं की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं आग लगने से चीख पुकार मच गई और आग बुझने की कोशिश में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। बता दें कि सगाई का लग्न था, जिससे कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी, उस दौरान ये हादसा हुआ। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, सिकंदरा के नगर क्षेत्र से पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि एक घर में सिलेंडर फटने से आग लगी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो वहां पहुंचने पर पता चला कि एक घर में शादी है। उन्होंने कुछ हलवाई तय कर रखे थे, उसमें से 2 महिलाएं थी। सिलेंडर के पिन अलग हो जाने की वजह से उसमें आग लग गई और भारी होने के कारण वो दौड़ नहीं पाए, झुलसने से उनकी डेथ हो गई। बाकी एक युवक जो घायल हुआ था उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। बाकी बॉडी को ससमान पोस्टमार्टम और मोर्चरी के लिए भिजवाया जा रहा है। बाकी जो भी विधिक कार्रवाई होगी। आगरा ताजमहल में शाहजहां की कब्र पर 1480 मीटर लंबी चादर चढ़ाई गई। इस चादर को हजारों लोगों ने हाथों में लेकर कब्र पर चढ़ाया। चादर चढ़ाने वालों में सभी धर्मों के लोग शामिल थे। मुगल बादशाह शाहजहां का 360वां 3 दिवसीय उर्स चादर पोशी का साथ संपन्न हो गया। बता दें कि सतरंगी हकीकत के इस चादर को लेकर श्रद्धालुओं ने ताजमहल में दक्षिणी दरवाजे से प्रवेश किया और कब्र पर पहुंचकर चादर पोशी की गई। चादर पोशी के बाद देश में अमन और चैन के लिए दुआओं की मांग की। जिस तरीके से हड़ताल होती है, इस तरीके से आज भी हुई है। 1440 मीटर की चादर शाहजहां बादशाह के दरबार में चढ़ाई गई है। ये हिंदुस्तानी सतरंग की चादर है, सद्भावना की चादर है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समस्त लोगों का सहयोग रहता है। सब मिलकर इसको चढ़ाते हैं। आज भी यही चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी मुकद्दस जगह है जहाँ शाहजहां बादशाह का मजार है, उस पर सद्भावना की चादर चढ़ जाती है। ये एकता का प्रतीक है। हम इस चादर के जरिए से, ताजमहल के जरिए से हिंदुस्तान में एकता का एक प्रतीक बनाना चाहते हैं, एकता का एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जिससे हम सब लोग मिलजुल के रहें और हिंदुस्तान की भलाई के लिए और सब हिंदुस्तान के लोगों के लिए दुआएं मांगेंगे। हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर, 1440 मीटर की है। आगरा में ताजमहल परिसर के अंदर मुख्य गुंबद के पास सीआईएसएफ कर्मचारियों ने भीड़ कंट्रोल के नाम पर पर्यटकों से मारपीट की। वहीं आरोप है कि सीआईएसएफ कर्मी ने सादी वर्दी में आए सुरक्षा बल से जुड़े एक समूह के जवान को भी लात मारी। बता दें कि उर्स के आखिरी दिन चादर पोशी के समय सीआईएसएफ कर्मी ने सुरक्षा बलों से बदसलूकी की और गाली गलौज के साथ मारपीट की।